अल्लाह का करम है, दुआ है फकीर की, पीजिए चाय बेहतर है कैफे वहीद की। बिल्कुल परफेक्ट चाय, परफेक्ट टेस्ट। बड़े मजे के भाई, नंबर वन पर। भाई मैं तो ये कहूँगा कि ये चाय पी के मुझे जो नशा चढ़ा है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान पे चढ़ गया। बैक विद अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं वहीद चाय वाले पे। हमने उसके बारे में सुना है कि वो 45 से 50 साल हो गए उसको वहीद को चाय बेचते हुए, तो हमने सोचा कि उसको भी ट्राई कर लेते, क्योंकि हमारे कंटेंट के अंदर जो हमने लिस्ट बनाई थी ना, उसमें 9 हो चुके हैं, आखिरी रह गया है वहीद। हम गए थे, वो बंद था, लेकिन अब फिर से हम जा रहे हैं। ये पूरी वीडियो वहीद पे ही बनाएंगे हम, और बहुत मजा आने वाला है। हमारे साथ जो मौजूद है, मैं उन सबसे आपको मिलवाता हूँ, फिर चलते हैं वहीद की तरफ। मौजूद है आज फराज अहमद, फहद, नासिर और एहतिशाम, चाय एक्सपर्ट्स, और एक एक्सपर्ट्स का और इजाफा हुआ है हमारे साथ। फराज अहमद, आप क्या कहेंगे, आपको कैसी लग रही थी पुरानी वीडियोज, और आप इस वीडियो में शामिल हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप अच्छा रिव्यू दे पाएंगे या क्या? भाई आपकी वीडियो में शामिल होना मैं अपने लिए जो है वो बहुत ख्वाहिश से बरकत है। ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसी चाय है, फिर देखते हैं रिव्यू वगैरह उसके अकॉर्डिंग देंगे। भाई आपके मैंने वीडियोस देखी, काफ़ी अच्छी हैं, तो बहुत शुक्रिया। फहद भाई, हम जा रहे हैं वही चाय वाले पे, तो आप क्या कहेंगे? यार मैं ये कहूँगा कि आज बस वो हमें मिल जाए वहीद भाई। पिछली बार हम गए थे तो बेचारे बंद थे वो, अब इंशाल्लाह आज जाके देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। अच्छा भाई, भाई सबसे पहले जो शख्स हमारे साथ आज मौजूद है वो इंतहा का टोपी इंसान है, मैं बता रहा हूँ आपको। फराज अहमद, इसकी वजह से हम आधा घंटा ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और यही वो शख्स है जो हमेशा हमें हर प्लेन में लेट करवाता है। इसका चेहरा लगा देना इस वीडियो में। बाकी वहीद के पास चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज वो खुला हुआ हो और उसकी मशहूर ज़माना चाय हमें पीने को मिल जाए आज। उसके बाद चाय पियेंगे, आपको रिव्यू देंगे। हमारे दो एक्सपर्ट्स, फहद भाई क्या कहेंगे आप वहीद भाई के बारे में? मतलब पहले तो मैं वहीद भाई के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले कप के बारे में बात करूँगा। कप आप देख लें, कप देख लें, आप थोड़ा सा इससे फेमिलियर होंगे, ठीक है। मूवीज़ में आपको दिखा हुआ, इंडियन मूवीज में, तो अभी वही फीलिंग्स आ रही है। शायद मुंबई के मैं किसी होटल में बैठा हुआ और चाय पी रहा हूँ, क्या बात। और चाय जब मैंने पी है तो वाकई मैं अब तक की मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन चाय है, सबसे टॉप पर, क्योंकि चाय में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि मैं कमी निकाल सकूँ इसमें। बिल्कुल परफेक्ट चाय, परफेक्ट टेस्ट, भाई मेरी तो चाय खड़क बने बेहतरीन है। तो अब तक की मैं इसको बोलूँगा रेटिंग, जो है रेटिंग के हिसाब से 9 में इसको रेटिंग दूँगा, सबसे टॉप पर, मतलब ये ताज से भी ऊपर आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चाय। अब तक की हम 9 ट्राई कर चुके हैं, ये 10वीं है, तो ये पहले नंबर पर आ गई। बिल्कुल पहले नंबर पर है। आप मुझे बताएं कि पैसे कितने? ये बहरहाल पैसों का हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी दूसरे एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। एहतिशाम भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई सबसे पहले तो ये खुशी है कि यहाँ पर जब हम पहुँचे तो खुला हुआ मिला हमें। इससे पहले जब हम लास्ट टाइम आए थे तो बंद था, और बहुत ओल्ड सिटी में है ये, एक लंबा सफ़र तय करके आए, लेकिन सफ़र वसूल हो गया। इसके आप चेक करेंगे ग्लास, ये कप जो है बड़े मज़े के हैं, फीलिंग्स अलग आ रही है। पहला होटल है कोई जिस पर मैंने ये ऐसे कप देखे हैं। चाय नो डाउट बहुत मज़े की है, और हमें नहीं लग रहा था कि ताज होटल के बाद कोई चाय बीट कर पाएगी। अभी तक जो हमने 10 चाय ट्राई करी भाई, नो डाउट बीट कर दिया। रेटिंग क्या देंगे आप? 9 रेटिंग देंगे इसको, सबसे ऊपर, और चाय ने बीट कर दिया भाई। मतलब हमारा जो ये व्लॉग हमने शुरू करा था, 10 हमने चाय ट्राई करनी थी अलग अलग, तो ये जीत गई है चाय। चाय वहीद भाई नंबर 1 पे, वहीद भाई नंबर 1 पर आ गए। अल्लाह का करम है, दुआ है फकीर की, पीजिए चाय बेहतर है कैफे वहीद की। कहना चाह रहे थे कि सबसे अच्छी चाय किसकी है, तो आखिरकार हम वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन सबसे आखिरी व्लॉग है ये हमारा, लेकिन हम नंबर 1 चाय पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल समद भाई,
वहीद चाय के इस टाइम पे ऑनर है और ये 40-45 साल पुराना है। बाकी की तफसीलात हम अंकल से पूछते हैं, क्या तफसीलात है, किस तरीके से आगाज किया, कितना पुराना है, कैसा चलता है। चाय का जो मयार है इनका वो बहुत अच्छा है, कॉफी का भी उसमें टच आ रहा था, बाकी सारी चीजें अंकल को पता है। अंकल बताइएगा, जो बनाई है कॉफी का चाय हमारी होती है, स्पेशल होती है कॉफी है और दूध पत्ती है और दूसरी तमाम चीज़ें जो है माशाल्लाह इसके अंदर होती है। फिर हम क्रीम भी डालते हैं इसके अंदर, दूध की मलाई भी देते हैं, मलाई प्रकार प्रकार के आजाद है, मलाई उसी के अंदर देते हैं और बाकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है, तरह में अल्लाह का और बड़ा एहसान है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। अंकल बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ पे पहुंचे हैं, हमारी वीडियो और हमने एक जैसी क्वालिटी सही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहाँ पर मैंने देखा खाने का सिस्टम भी मौजूद है, पराठे भी लग रहे हैं, सालन भी है और चाय भी है, तो क्या का बैठक का निजाम, कितना पुराना ये होटल है, वही ढाबा है? हाँ, ढाबा खिलाता है, ये बहुत पुराना है, 40-50 साल पुराना है, लेकिन बेहतर है ये कि हम और चीज़ें जैसा कोई गरीब भी आ जाता है मांगता है तो हम मना नहीं करते, भैया चलो लंगर है, ये फेज हम कहते हमारे बड़े भाई के नाम से चलता रहे। जितने भी देखने वाले हैं सबको यही कहूँगा कि इस चाय को लाजमी ट्राई करें, अगर आप कराची के अंदर रहते ना, बहरहाल आप अगर पाकिस्तान में भी रहते ना और अगर आप कराची आए तो इस चाय को लाजमी ट्राई करेगा। ये 10 में से हमने 9 रेटिंग जिसको दी है, पहले नंबर पर हमारी चाय आई है। अब तक की जितनी भी हमने वीडियोज बनाई है मशहूर होटल्स की, जिसमें आपने देखा होगा कैफे प्याला, आलमगीर कैफे बोगी और जीजू चाय वाला फरंगी के अंदर और भी दीगर जो बनाए थे, बहरहाल ये नंबर 1 के ऊपर रही है हमारी चाय आई। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ये भाई यहाँ पर चाय पीते हुए हमें मिले, हम इनसे पूछते हैं कि ये कब से चाय पी रहे हैं। हाँ भाई, कब से चाय पी रहे हो? पहले से पी रहे हैं चाय। इनकी चाय कैसी है? बहुत अच्छी है चाय। चाय बहुत अच्छी है, ऐसी कहीं भी नहीं पी चाय, ऐसी कहीं भी चाय नहीं पी। अच्छा अगर हम आपको बोलेंगे 10 में से इनको नंबर दो तो कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 नंबर दोगे? आप कितने नंबर दोगे भाई? बिल्कुल 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। इससे अच्छी चाय आपने पी है? इससे कभी नहीं पी। कब से चाय पीते हुए आ रहे? मेरे को तो काफी टाइम हो गया, मेरी माशाल्लाह से उम्र है 22 साल। अच्छा काफी टाइम हो गया, काफी टाइम से पीता हूं, काफी टाइम से पीते आ रहे हो। चलो आप चाय एंजॉय करो। आज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और ये पहली चाय इन्होंने ट्राई करी थी और वही चाय नंबर 1 पे आ गई है। फराद अहमद आप क्या कहेंगे? अहमद भाई मैं तो ये कहूँगा कि ये चाय पी के मुझे जो नशा चढ़ा है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान पे चढ़ गया। अच्छा मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे नीचे उतार। अच्छा हमने और भी बहुत सारी चाय ट्राई करी थी जिसमें हमने अलग अलग रेटिंग्स दी थी। फराज भाई आप 10 में से इसको क्या रेट करेंगे? मैंने आपको के साथ बाकी चाय अटेंड नहीं करी, मगर मुझे मजे की लगी चाय, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये टॉप पे रहनी चाहिए, 9-10 अच्छा 10 में से आपके हिसाब से 9 होने चाहिए। हमारे चाय एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप लोग क्या बताएंगे, जिस तरीके से हमने मेहनत से 4-5 दिन लगा के लोगों के लिए व्लॉग तैयार किया और एक अच्छे चाय वाले हम लोगों ने ढूंढे, बाकी की चीज़ें आप लोग बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इख्तिताम पे हम पहुँचे हैं, ठीक है, कि हमने जो वीडियोज़ बनाई हैं टॉप 10 चाय का हमने रिव्यू करा, ठीक है, तो उसमें हमने टॉप 4 जो है वो निकाले उसमें से कि सबसे बेहतर चाय पूरे कराची की कौन सी है। तो मेरे हिसाब से जो हमने रेटिंग्स दी थी एहतिशाम भाई ने और मैंने, कि फर्स्ट पे जो अभी तक हैं वो हैं वहीद चाय वाले, ठीक है, 9 रेटिंग के साथ। सेकंड जो है वो हैं हमारे क्या कहते हैं ताज होटल वाले, ठीक है, 8.5 रेटिंग के साथ। एंड थर्ड हमारे जीजू जो करंगी में वाक़ हैं, ठीक है, उनके हैं 8.58। और फोर्थ हैं अलमशाइक होटल शाह फैसल कॉलोनी में। बाकी बात जो है वो आपको एहतिशाम भाई बताएंगे। एहतिशाम भाई आप बताइएगा कि कौन सी चाय वाले का सबसे अच्छा माहौल था? भाई जो हमने एक सफ़र का आगाज़ किया था कि हम कराची की सबसे अच्छी चाय आपको बताएंगे कि कौन सी है, तो उसमें हम कामयाब हुए। 4-5 दिन हमारे जो है इस चीज़ में लग गए और हमने कराची की बेस्ट चाय जो है विज़िट करी और उनको टेस्ट किया और आपको रेटिंग दी। उस हवाले से नंबर 1 पे जिस तरह फहद ने बताया कि वहीद चाय वाला जो रामस्वामी में सबसे आखिर में हम उसके पास गए और सबसे अच्छी चाय उसकी लगी, उसके बाद ताज वाला है, फिर जीजू चाय वाला मरंगी का और अलमशाई। तो ये हमारे जो है एक रिव्यू था इस हवाले से,
कि कराची की अभी तक जो हमने टॉप 10 चाय को ट्राई किया उसमें वही नंबर पर है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई आपके इलाके में आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा चाय वाला मौजूद है जिसकी चाय इससे बेहतर हो सकती है तो हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा ताकि हम उसको विजिट कर सकें और उसको रेटिंग दे सकें। बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे चाय एक्सपर्ट्स ने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई तो इस वीडियो को आप लाजमी शेयर करिएगा और आपके इलाके में जो बेहतर चाय वाला है वो लाजमी आप कमेंट में बताइएगा ताकि हम वहाँ भी पहुँचे और उसका भी रिव्यू करें। थैंक यू सो मच।